ये बाव, इसके अंदर स्टफिंग किस चीज़ का होता है? पोक का। एक दे दी, एक पीस दे दीजिए। Light and fluffy. Yeah. When you break them open, and they are supposed to be stuffed with any minced meat and mixture of minced meat. I think there's a difference between pav and momo and dumpling. Yeah. Oh wow. That's bright red. Yeah, pork ka fat bhi hai isme. कि स्वीट मुझे लगा था कि सेवरी होगा लेकिन थोड़ा मीठा है। तो ये डिश हमने जो ट्राई की, इसको पोर्क भाव कहा जाता है। ये स्टीम्ड है, जो इसका टेक्सचर देख रहे हैं काफ़ी ब्रेडी है, काफ़ी डोई है, अंदर में पूरे पोर्क के पीसेस हैं, साथ में फैट भी है और थोड़ा स्वीट है। थोड़ा मीठा लगा मुझे, इस लगता है, मुझे लगता है लोग चिली सॉस के साथ खाते हैं कि अच्छा बैलेंस हो जाता है स्वीटनेस और स्पाइसीनेस। तो इस बाज़ार के बारे में बताएं, ये तेती बाज़ार ओल्डेस्ट चाइना टाउन है कोलकाता का, इनफैक्ट कंट्री का ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइना टाउन। तो इंडिया और चाइना का रिलेशन तो मतलब 1800 से भी पहले था। तो चाइनीज डायस्पोरा दे सेटल्ड अलोंग लिटिल पार्ट्स ऑफ बे ऑफ बंगाल, लेकिन ये जो चाइना टाउन हम जो बोलते हैं कैलकटा में, ये चाइना टाउन दैट केम अप ड्यूरिंग द 1700s 18th century। तो साउथ चाइना से स्पेशली फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ फुजियान एंड कैंटोन चाइनीज माइग्रेंट्स यहाँ पे आए। तो दिस इज प्रिडोमिनेंटली कैंटोनीज चाइनीज, कैंटोन चाइनीज। तो अब जब हम टैंगरा जाएंगे, दैट इज प्राइमरली द हक्का कम्युनिटी। तो ये कम्युनिटी का भी थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ। और ये जो स्ट्रीट फूड मार्केट है, जो मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट प्लेसेस है, सिर्फ संडे को लगती है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे संडे को लगती है बस। सुबह का टाइम। ये राइस बॉल है, सॉफ्ट है काफ़ी और स्पॉन्ज की तरह। ये राइस पुडिंग है। तो हमने दो डिशेस ट्राई की, एक तो राइस बॉल्स और ये है राइस पुडिंग। तो पुडिंग का टेक्सचर काफ़ी अलग है, इनफैक्ट राइस बॉल का भी। दोनों काफ़ी च्यूवी था। अंदर में जो फिलिंग की गई है वो दाल से की गई है, जिसको बोलते हैं ताउ से। और ये जो कलर देख रहे हैं, हालांकि ये राइस का बना हुआ है, लेकिन मैम बता रही थी ये कोई सब्जी होती है, इसको ने बोलते हैं, इसलिए ग्रीन कलर आता है उससे। और ये काफ़ी अच्छा था, ये बिल्कुल ब्रेड जैसा टेक्सचर है इसका, ऊपर क्रंचीनेस के लिए थोड़ा सेसमी लगाया गया है। यहाँ पे क्या मिल रहा है? प्रॉन पापड़। प्रॉन पापड़ भैया, इसमें एक प्रॉन का छोटा टुकड़ा है। Yeah, all one man piece they stick with it and then fry it. It's very interesting. That's the prawn. That's made out of flour. Out of flour, then the thing they stick it and then they fry it along. इसे प्रॉन, इसको प्रॉन पराठा भी कहते हैं, प्रॉन पापड़ भी कहते हैं। ये मैदे से ही बनाया जाता है, बीच में दो पीसेस हैं प्रॉन के, साथ में खाते हैं चिली सॉस के। इसके कैसा लगा? We are daily, yes, and every day we are eating the appetizer. You like it? तो होता है चिकन को और मीट को और फिश को, सबको एक ही बोल में बॉईल करते रहते हैं। और साथ में थोड़ा सा ये डाला उन्होंने, ग्रीन गार्लिक। लग रहा है चिकन में थोड़ा मैदा डाल के। कैन आई ट्राई करके दे दिया? हाँ। नॉट गुड।
मज़ा नहीं आया ना। तो हमने यहाँ पे ट्राई किया मीट बॉल सूप, जो कि चिकन मिन्स्ड है, उसके ऊपर मैं राइस की कोटिंग करके फिर इस ब्रॉथ में इसको बॉईल किया जाता है, और इसका खुद का अपना खुद फ्लेवर नहीं है इस ब्रॉथ का। आपको थोड़ा सॉल्ट या सोया सॉस या चिली सॉस डाल के इसको कुछ फ्लेवर आप एनहांस कर सकते हैं, जैसे ये सर कर रहे हैं सामने, थोड़ा सोया सॉस डाला इन्होंने, और ये लोटे में सर्व करने का बहुत ही अच्छा अंदाज लगा हुआ है। पुराना स्टाइल है। क्या ये मीठा हलवा है? ये दे दीजिए एक पीस। हलवा राजमा का हलवा है। राजमा का हलवा फ्राइड है। ये क्या है? ये चिकन है। ये पोक वाला है। ओह आई वांट वन। वाओ ये देखने कितना अच्छा लग रहा है, बिल्कुल शाइनी ऊपर से, और इसका क्रस्ट भी काफ़ी क्रिस्पी लग रहा है। वाओ इट्स रियली गुड दिस वन। बहुत बढ़िया। दिस इज द बेस्ट थिंग आई ट्राइड इन त्रिवेदी बाजार। इट्स सुपर गुड। ऊपर जो क्रस्ट है इसका बहुत अच्छे से पका हुआ है और काफ़ी क्रंची है, अंदर में सॉफ्ट और गुई राजमा का थिक पेस्ट बनाकर डाला है उन्होंने, हल्का मीठा है, बहुत ही उम्दा जाएगा। दोनों ही चीज़ें वाकई अच्छी है। निक्की सर थैंक यू, बेस्ट विशेस। कोलकाता में त्रिवेदी बाजार के कुछ चाइनीज जायके, अब हम जा रहे हैं टैंगरा न्यू चाइना टाउन, वहाँ क्या ट्राई करने वाले हैं हम लोग? वहाँ पे सिंगाड़ा चाव ट्राई करेंगे। चलिए जो लोग खा रहे हैं वो मोस्टली लोकल्स हैं। मोस्ट एग्जैक्टली, और जो यहाँ पे काम करते हैं वो भी मतलब मोस्टली बिहार और ओडिशा से हैं। अच्छा। एंड इट्स अ कंप्लीटली वर्किंग क्लास एरिया, इसीलिए एक प्लेट का दाम इज लाइक 70 रुपीस, तो बहुत ही चीप है, सो दैट पीपल कैन। सो यहाँ पे फ्रेश नूडल्स बना रहे हैं जिसमें मैदा है, अंडा है और नमक है, बस। ये कितने साल से चला आ रहा है आपका ये बनाने का सिस्टम? 30 साल। ये वॉन्टन है। These are wonton wrappers and he's just putting them. Wonton wrappers? Yeah, so these are like dry wonton wrappers as you can see. And he puts some filling on the wonton wrappers and then he will steam them. And then he put them with those noodles. Okay. And a little bit of dried pork on top and bok choy. So that's how they serve? Yeah, that's how they serve it. And you have like the spicy sauce with it. So if you want to like make it more spicy, you can add it and make it more spicy. ये जो देख रहा है ना वॉन्टॉन्स, यहाँ पे लोकल लोग को तो वॉन्टॉन्स पता नहीं था, तो द क्लोजेस्ट थिंग दैट दे कुड थिंक इज समोसा सिंगाड़ा, सो दैट्स व्हाई दे कॉल इट सिंगाड़ा चाव वॉन्टॉन नूडल्स। तो चाइनीज सिंगाड़ा है? चाइनीज, हाँ चाइनीज सिंगाड़ा। तो सिर्फ बॉइल्ड नूडल्स, बॉक चॉय, देन वॉन्टॉन्स, ड्राइड पोर्क, दैट्स इट, एंड सॉल्ट एंड पेपर। एंड सॉल्ट एंड पेपर, दैट्स वेरी सिंपल। काफ़ी फ्लेवरफुल है। थोड़ा सॉल्टी है। नमक थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगा।
बाकी नूडल्स बहुत टेस्टी है। वेरी स्पाइसी बट वेरी गुड। दिस एरिया, दिस एंटायर एरिया, न्यू चाइनाटाउन इज द हाका कम्युनिटी। सो दे सेटल्ड हियर टू वर्क इन द फैक्ट्रीज एंड टू एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज लाइक लेदर फैक्ट्री एंड टैनरीज। तो इसीलिए दिस एरिया इज अ लिटिल आउटसाइड मेन कैलकटा, क्योंकि द स्मेल ऑफ द लेदर एंड टैनरीज वुड अफेक्ट द पीपल। So they settled the factories here, and within the factories only, they started making food out of the kitchens. So the factories were not only places where they worked, but also places where they cooked. So isili, like the place that we are in right now, it's a completely working class joint. Yeah. And you can see that it used to be a factory building, and it still retains the original decor. There hasn't been like, you don't come here for the ambience or aesthetic, you come here for the food, that's it. A bahut limited menu hai. Haan, exactly. सिर्फ वॉन्टन और नूडल्स, दैट्स इट। या दैट्स इट। मतलब चाइनीज सिंघारा, या चाइनीज सिंघारा एंड नूडल्स, यस दैट्स इट। ठीक है छोटू दादा, हां बाय, धन्यवाद, धन्यवाद। चल आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम शिवली। आप कहाँ के रहने वाले हैं ओरिजिनल? इधर ही कलकत्ता में। यही बर्थ प्लेस है आपका? और आपके एंसेस्टर्स? दादा आप? ससुराल लोग चाइना में था। चाइना में कहाँ पे? बीजिंग उधर में। आपका रेस्टोरेंट कितना पुराना है? ज़्यादा नहीं है, 10-15 साल ऐसे। 15 साल हो गए। क्या स्पेशलिटी है आपके रेस्टोरेंट का? खाली ब्रेकफास्ट का वही वंडर नूडल्स, वंडर नूडल्स, सिंगाड़ा चाव। ये नूडल्स बनाते हुए देखा मैंने, बहुत ही जल्दी बना सकते हैं इसको। हाँ। मतलब ऐसा नहीं है कि इसको फ्राई कर रहे हैं। और है नूडल्स को बॉईल किया गया, उसके बाद उसमें सॉल्ट, पेपर, थोड़ा सा अजीनोमोटो MSG, और उसके बाद फिर ऑयल डाल के फिर मिक्स कर दिया गया। फिर नूडल्स से सोया सॉस भी डाला गया। ये फ्राइड चिकन है, फ्राइड चिकन है, चिकन चिली है बेसिकली। वही चिकन को फ्लावर में डाल के, कॉर्नफ्लावर में डाल के फिर फ्राई करके, फिर उसके बाद इसको कढ़ाई में थोड़ा चिलीज और सोया सॉस डालकर फिर फ्राई किया गया। और ये वॉन्टन सिर्फ मिस्ड पोक डाल के फिर बॉईल, जिसमें नूडल्स बॉईल कर रहे थे उसी में बॉईल कर लिया। I think what makes it special is the freshness. Noodles ये अपना handmade fresh बनाते हैं। Wow, this is amazing. Crunchy. सबसे तो prominent flavors जो इसमें है वो garlic का और pepper का है। Here wontons are amazing. फैक्ट्री बिल्डिंग्स के अंदर में ही शुरू हुआ, रेस्टोरेंट्स शुरू हो गए। मेनली जो वर्कर्स थे, जो मेनली जो इनकी खुद कम्युनिटी फैमिली के मेंबर्स थे, उनके लिए खाना बनाते थे। धीरे धीरे डिशेस पॉपुलर हो गई और रेस्टोरेंट में कन्वर्ट हो गया। इतना सिंपल बनाने का तरीका है आपका, है ना, और इतना फ्लेवर्स में निकल के आ रहा है खाने में। सेम गोज फॉर वॉन्टन, ये भी इसको चाइनीज सिंघारा बोलते हैं यहाँ पे, या और इस कॉम्बिनेशन को सिंघारा चाव बोला जाता है। ये सिंघारा है जो वॉन्टन्स है, और ये जो नूडल्स है, जो चाउमिन है, उसको आप सिंघारा चाव, ये कॉम्बिनेशन सिंघारा चाव बोला जाता है। इंग्लिश में जो वॉन्टन नूडल्स, वॉन्टन नूडल्स। चलिए बहुत अच्छा लगा,
और यहाँ पे क्या क्या पॉपुलर? चाइनीज में बोलते हैं यामेन। यामेन, यामेन, इन दोनों को क्या हुआ है? यामेन चाइनीज में। जब हम लोग इंडियन स्टाइल इंडियन चाइनीज बनाते हैं तो बहुत सारे प्याज डालते हैं, कैप्सिकम डालते हैं, लेकिन चिली चिकन में भी, हाँ, लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ चिलीज है, सिर्फ ग्रीन चिलीज है, सिर्फ ग्रीन चिली, चिली बस। थैंक यू। Which is the oldest surviving family-owned Chinese restaurant in the city. And right now we're in Ganesh Chandra Avenue where the restaurant exists. बिल्कुल लग नहीं रहा है कि रेस्टोरेंट वाली जगह है। कुछ रेस्टोरेंट के बारे में बताएंगे, एज फार एज वी नो जस्ट इज द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइनीज रेस्टोरेंट इन कोलकाता। दिस इज दिस वाज स्टार्टेड इन द लेट 1920s बाय माय ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स, देन माय ग्रैंडफादर टुक ओवर, माय फादर टुक ओवर, नाउ आई एम लुकिंग आफ्टर द रेस्टोरेंट। दे डिडंट बेसिकली व्हाट हैपेंस व्हेन माय ग्रेट ग्रैंडपेरेंट्स स्टार्टेड, इट वाज ओनली द चाइनीज माइग्रेटेड हु यूज्ड टू ईट ओवर हियर, सो स्लोली 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 देन पीपल स्टार्टेड eating and that's how they decided to open the entire restaurant. This was where we used to stay before. So yahan par ghar hai, ye pehla log ka ghar tha, ghar tha, dukaan tha, sab usi mein tha. Acha, to isi log dekha dekha aaste aaste the hum log ka idhar mein bo barracks hai, fir aapka calculus medical college hai, fir aapka high court hai, sab aaste aaste aane lage, locals log bhi aane lage, log aane lage, tab hum log khulo restaurant khol diya. और यू चू का मतलब यूरोप, यूरोपियन, बिकॉज जब वो लोग आया था तो दे वर स्टिल ब्रिटिश, सो दैट इज व्हाई दे नेम्ड दिस प्लेस यू चू। इसके बारे में बताएं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। हम लोग उसी में पकाया हुआ है। अच्छा, इसी में सूप पकाया है? उसी में सूप पकाया हुआ, इसलिए देख रहे हैं इधर में चाकोल है, नीचे से इधर से हम लोग कॉलर डालते हैं, हवा मारते हैं, सब सूप उसी में पकते हैं। तो ये ब्रॉथ है, ये किस चीज़ का है? चिकन ब्रॉथ है। चिकन ब्रॉथ है, चिकन ब्रॉथ में ये बॉक चॉय है, एग दिख रहा है, एग है, चिकन है, फिश है और प्रॉन है। प्रॉन है, और ये पॉट भी बहुत पुराना, बहुत, ये भी 1920 का होगा सही, ये वाला, ये हम लोग मेरा परदादा खुद बनाया था। अच्छा, तो ये भी बहुत पुराना, टोटली ब्रास है ये। अच्छा, जब तक सब साथ में बैठे हुए हैं, जब तक खाना बन रहा है तब तक सूप आप साथ में पी सकते हैं, गरम गरम रहेगा, गरम रहता है। इसमें कुछ मिक्स करें या सिर्फ ऐसे ही? हम लोग ऐसे ही, ऐसे ही बिना कुछ डाले। अच्छा, तो उनका फ्लेवर जो है आता है। वाह, सो वी एक्चुअली गेट द फ्लेवर्स ऑफ चिकन, एग, प्रॉन्स, एवरीथिंग, ऑल द इंग्रेडिएंट्स इन इट। नेम काफी हेल्दी भी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बिल्कुल स्पाइसेस नहीं है, सिर्फ सॉल्ट, चिकन ब्रॉथ में एग है, प्रॉन्स है और बॉक चॉय है, दैट्स इट। सो वी हैव आल्सो ऑर्डर्ड जोसेफिन नूडल्स, दैट इज नेम आफ्टर माय मदर। ओके, दे वर अ वेरी गुड कस्टमर ऑफ अस, मिस्टर दीपू रॉय चौधरी, ही हैड कम वन डे एंड ही वांटेड समथिंग टू ईट, so my mom just made a noodle for him and gave it to him. It had chicken, prawns, fish, pork, mushroom, vegetables, everything there. So he ate it and he said, what is the noodle called? So mommy said, like, I don't know, I just cooked it for you. So then he named the noodle. Okay. And this was named, this was made maybe 25 years ago. So inside the kitchen, who is cooking the food right now? My mom is cooking. Josephine. लेकिन जैसा ये भी है, जितना ये पकता रहेगा और फ्लेवर्स आते रहेंगे इसमें, तो गेट मोर फ्लेवर्स कंटिन्यूसली। ये इसमें चाकोल के अंदर में ये पक रहा है ये सूप,
ये भी है कि वैसे तो पता नहीं कोलकाता में ठंड पड़ती है रेली कभी कभी, तो ज़्यादा ठंड होता है, बहुत मज़ा आएगा। So, ma'am, this noodle is named after you, this dish, Josephine noodles. So, कैसे आया ये dish? Because this is my creation, okay. You see? Mm-hmm. Because everywhere you get the same thing, same old chicken noodle and this. I thought I would make something different. Chicken pieces, then you have bok choy, then there's prawn, onions, cauliflower, carrot, mushrooms. Wow. It's pan fried, but it's soupy in texture. Yes, like, because of the egg sauce. Egg sauce. So in one bite you can taste egg, the second bite you will taste fish, in the third bite you'll have chicken. So all different layers. No, thank you so much. Thank you so much for the beautiful meal. Like, thank you. Thank you, sir. Thank you.